देश का सबसे पहला बड़ा बापू टावर बिहार की राजधानी पटना में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम नीतीश ने यहां बापू टावर में चल रहे काम का जायजा लिया। बता दें कि बापू टावर का निर्माण 129 करोड़ की लागत से हुआ है, इसका उद्घाटन हो चुका है। हालांकि फिलहाल यहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। बापू टावर का अधूरा काम जारी है, ऐसे में आज सीएम नीतीश बापू टावर का जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि बापू टावर को बनाने में 129 करोड़ की लागत आई है। बापू टावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। ये 6 मंजिला टावर है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बापू टावर में पर्यटकों को परिसर के अंदर 50 चार पहिया और 150 दो पहिया वाहन की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण करके अधिकारियों को कई निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गोलाकार भवन की बाहरी दीवार में 42,000 किलो से तांबे की परत लगाई गई है। दीवार पर लगने वाला तांबा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से इंद्रधनुषी रंगों में बदल रहा है, इससे भवन की खूबसूरती बढ़ गई है। बापू टावर की प्रदर्शनी गैलरी में लगने वाली मूर्तियां और कलाकृतियों का निर्माण अहमदाबाद की फैक्ट्री में किया गया है। प्रदर्शनी वस्तु लगाने के लिए सिविल वर्क का कार्य भी पूरा हो गया है। टावर के गोलाकार भवन में लगी तांबे की परत चमक बिखेर रही है। रात में सामने से लाइट जलते ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि हम तो यहां आते रहते हैं, आज भी देखे हैं, सब काम हो रहा है। ई लोक को देरी हो रहा है, कह दिए हैं 1-1.5 महीने में आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने दावा किया कि 1 महीने में बापू टावर का अधूरा काम पूरा हो जाएगा। सीएम नीतीश के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।